बढ़ते आगे, भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बीजेपी मुख्यालय पर चयनित शिक्षकों का धरना। बीजेपी कार्यालय में गेट के सामने धरने पर चयनित शिक्षक बैठे हैं। ओबीसी वर्ग के 800 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की लगातार मांग की जा रही है। बीजेपी दफ्तर का मेन गेट बंद कर दिया गया है। भारी पुलिस बल भी इस समय मौके पर मौजूद है। देखिए तस्वीरें जहाँ बड़ी संख्या में चयनित शिक्षक जो है उनका धरना देखा गया है। ओबीसी वर्ग के करीब 800 से ज्यादा अभ्यर्थियां वहां पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी भी वहां पर की जा रही है। हाथों में तख्तियां लेकर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीर देखिए, जैसे ही चयनित शिक्षक वहां पर पहुंचे तो बीजेपी दफ्तर का गेट बंद कर दिया गया है। तो मेन गेट बंद कर दिया गया, लेकिन इस समय मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में चयनित शिक्षकों का धरना यहां पर देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में चयनित शिक्षक पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यालय के मेन गेट के सामने धरना दिया जा रहा है। हालांकि मौके पर इस समय बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। छोड़ के मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है और हम लोग का तो चयन हो गया, फिर क्यों नहीं दे रहे ज्वाइनिंग? क्या दिक्कत बता रहे हैं? कुछ कोई दिक्कत बता ही नहीं रहे ना। डिप्टी से हूँ, मुझे छतरपुर जिला अलॉट हुआ था सर। सर हमको 11-10 तारीख को लिस्ट है, हम हमारा नाम ढूंढते रहे कि हमारा नाम होगा और 11 तारीख को हमको पता चला कि हम लोगों को मतलब बिना किसी कारण के रोक दिया गया। हम 11 तारीख से यहाँ पे मंत्रियों के दर दर भटक रहे हैं सब। 11 तारीख से आज हमें 10 दिन हो गए सब, छोटे बच्चों को ले लेके घूम रहे। एक दो दीदी 5 महीने के बच्चे को लेके रोज आती थी। सर हम लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों के रोक लिए गए, जबकि जिला भी हम लोगों को चयन करवा दिया गया है, स्कूल भी चयन करवा दिए गए हैं और बिना कारण बताए, कोई कारण भी नहीं बताया और कारण है भी नहीं कुछ। किस कारण से हम लोगों को रोका गया है? हम लोगों को अपने नियुक्ति पत्र चाहिए, हम लोग वही लेने आए हैं। रेजिडेंट एडिटर सुधीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, बीजेपी मुख्यालय पर चयनित शिक्षकों का धरना देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर चयनित शिक्षक पहुंचे, अपनी मांगों को लेकर धरना किया जा रहा है। क्या कुछ मांगे हैं यहाँ पर चयनित शिक्षकों की? देखो बिल्कुल, बात करें तो फिलहाल धरना समाप्त हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात हुई है, जो चयनित शिक्षक है उन्होंने आश्वासन दिया है उनकी मांगों को लेकर कि वो सरकार तक जो चयनित शिक्षक है उनकी मांग को पहुंचाएंगे। ये वो चयनित शिक्षक है जो लोग पिछले 2-3 साल से जो है नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद में ओबीसी वर्ग के तकरीबन 883 ऐसे शिक्षक है जो लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी नियुक्तियां दी जाए और उसको लेकर लंबे समय से आंदोलन भी इनका जारी था। आज जब धैर्य का बांध टूटा तो उस समय बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और वहां पर तकरीबन 2 घंटे तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जब इनको आश्वासन दिया उसके बाद में इनका धरना जाकर अब से थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है। बिल्कुल, धरना अब से थोड़ी देर पहले समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमें।